नमस्कार दोस्तों, ये है HP 1020 प्रिंटर। अपन इसको टेम्पलेट चेंज करना है। सबसे पहले अपन ऐसा कार्ट्रिज साइड से निकाल देंगे, जो टेम्पलेट के वजह से पेपर फंसा हुआ है अंदर। पेपर निकाल दिया, ये पेपर अपन साइड में निकाल दें। इसको दोनों तरफ से ऐसा फोल्ड करेंगे तो ये आराम से ऐसा बाहर निकाल देने का। ये इसमें ये भी ऐसा ही है, ये भी बाहर निकाल देने का। इसके बाद आपको सबसे पहले जरूर पड़ेगा एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए आपके पास, और एक टेस्टर जैसा जो पीछे लॉक निकालने में काम आएगा। तो यहाँ पे इसमें 1020 में एक यहाँ पे और एक यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है, आपको दोनों स्क्रू खोलना होगा। दोनों स्क्रू निकाल लिया, इसको आपको धीरे धीरे से ओपन करना होगा। फिर पीछे से लॉक निकाल दिए, वो गया ढंकन ओपन हो गया। इसी तरह इसमें भी आपको पीछे की तरफ से पहले ऐसे लॉक ये लॉक किया, उससे आगे की तरफ से यहाँ से लॉक की दो लॉक हो गया, और एक लॉक नीचे की तरफ रहेगा। जो तीसरा लॉक यहाँ पे, ये तीनों लॉक निकाल लिया। ये दूसरा भी ढंकन निकाल लिया, हो गया आधा प्रिंटर। ये जो है आगे बोर्ड का तरफ वाला आप देख रहे हैं, और ये जो यूएसबी केबल लगा था वो साइड वाला भाग। अभी अपने को ये वाला खोलना है। यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है, स्क्रू निकालने के बाद आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे थोड़ा ऐसा करना है और निकाल लेना है आपको। निकल लिए, ये भी निकल गया। अभी आपको यही साइड आना है, ऐसा करना है जो फ्रंट कवर पे जाना है, और यहाँ पे दो स्क्रू रहेगा। एक स्क्रू निकाल लिया, फिर यहाँ पे दूसरा स्क्रू है। फिर ये जो कार्ट्रिज का लॉक रहता है वैसे आपको ऐसे निकालना है। निकाल लिया, ये संभाल लें गुम ना हो जाए ऐसा। इसको वापस अपन इसके अंदर ही लगा देते हैं। लगा दिया। अभी आपको यहाँ इसको धीरे से ऐसा करेंगे तो ये भी टॉप जाली बोलते हैं, तो ये भी निकाल लिया। ये अपना आ गया फ्यूजर यूनिट। पहले सबसे पहले आपको ऐसे हटाना है बोर्ड की तरफ, और यहाँ पे देखना कि एक एक करके यहाँ से निकालना है। निकाल दिया, फिर ये यहाँ पे दूसरा है केबल। आप हमारी चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको प्रिंटर का स्पेयर पार्ट चाहिए तो मैं नीचे नंबर दे दूँगा, आप वहाँ से आप स्पेयर पार्ट भी ले सकते हैं सस्ते में, जो होलसेल प्राइस में आपको मिलेगा। आराम आराम से ऐसा निकाल लेना है। ये होने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रू मारा हुआ रहेगा, देखो कि यहाँ पे स्क्रू रहेगा ऊपर से, यहाँ पे आपको दिखाई देंगे तो आपको यहाँ से स्क्रू खोलना है। और एक यहाँ पे स्क्रू रहेगा,
ऐसा करेंगे तो अपना फ्यूचर यूनिट आ गया बाहर, ये अपना फ्यूचर यूनिट है। अभी अपने को इसमें से टेम्पलर और पेसर ऑल चेंज करना है। इसमें ये दो स्क्रू मारा हुआ रहेगा तो उसको आपको ऐसे करके स्क्रू निकालना होगा। ये भी किया तो ये भी निकल गया। देखो ये टेम्पलॉन में पेपर फंसने की वजह से टेम्पलॉन खराब हो गया है। अभी इसको आपको इसकी ज़रूरत होगी, टोचा, पोकर बोलते हैं इसको हिंदी में, और ऐसे नॉर्मल में ज़्यादा करके इसको टोचा ही, जो कार्ट्रिज रिफिलिंग वाले जो प्रिंटर रिफिलिंग वाले उसको टोचे से नाम से ही पहचाना जाते हैं। यहाँ पे जो स्प्रिंग रहेगा आपको ऐसा करके स्प्रिंग को निकालना होगा। ये हो गया, इसको भी साइड को निकाल लिया। दूसरी तरफ से है, उसको भी ऐसे अपने को दूसरी तरफ से वो भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। अब ये इसको वायरिंग निकालना है अपने को, जो इसकी वायरिंग है। इसकी वायरिंग होगी अभी अपने इसको टेम्पलॉन का बाहर निकाल लिया। दिखाते ये टेम्पलॉन है, ये प्रिंटर का टेम्पलॉन है, अपने पूरा प्रिंटर खोल दिया है। जब से अपने टेम्पलॉन निकल लिया है उसको अपन टेम्पलॉन चेंज करते हैं। देखो आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे दो लॉक दिया हुआ है, एक केंद्र ये निकाल लेना है साइड पे, और ये अपना टेम्पलॉन है जो ख़राब वाला है उसको भी ये साइड में निकाल देने का। फिर ये पूरा जो मिट्टी लगी है जो इसको ग्रीस, उसको पूरा क्लीन करना है और अपने को दूसरा लगाना है। तो सबसे पहले आपको टीसी पेपर से क्लीन करना है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले सभी प्रकार के प्रिंटर रिपेयरिंग कैसा करते हैं, क्या एरर तो क्या करना चाहिए, हम सभी प्रकार के प्रिंटर एंड जेरोक्स मशीन का वीडियो अपलोड करते हैं। इसके टेक्निकल किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बड़ा अच्छी तरह से आपको इसको क्लीन करना है। ये मेरे पास अल्कोन है, मैं इसको अल्कोन से साफ कर देता हूँ। अगर धूल मिट्टी रहेगा या तो पूरा ना गिरीस रहेगा तो भी क्या थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इतना नहीं पड़ तो थोड़ा कम टिकेगा। और एक बार जो आप टेम्पलॉन डालेंगे वो अच्छा क्वालिटी का ही डालो, एक बार थोड़ा महंगा रहेगा वो चलेगा, जो ओरिजिनल जैसे ही लगाना चाहिए। और फालतू में जो 80-100 रुपये वाला मिल जाए उसे कुछ मतलब नहीं है। ये मैं लगा रहा हूँ नया जो अच्छा ब्रांडेड ओरिजिनल टेम्पलॉन। टेम्पलॉन है उसका गिरीस भी साथ आता है, इतना गिरीस उसमें लगाना है। अपनों भी लगाने जा रहे हैं टेम्पलॉन। इसे टेम्पलॉन लगाने से पहले उसका एक गिरीस है, इसको अपने को ऐसा तोड़ना है।
जो इसे जो गिरी से ज़्यादा नहीं लगाना, ज़्यादा लगे तो भी प्रॉब्लम है, कुछ मतलब नहीं है, बेमतलब का ज़्यादा लगा कुछ मतलब भी नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना लगाने का। इसका गिरीस का काम हो गया है, अभी अपन लगाने जा रहे टेम्पलॉन। आराम से लगाना है। सबसे पहले आपको जो ये वायर दिख रहे हैं उसको, तार को आपको अंदर डालना होगा। उसके बाद धीरे धीरे ये लगाना है। आप अगर टेक्निकल बंदे हैं तो आप तो आइडिया ही रहेगा आपको कैसे लगाना है, और नहीं रहेगा तो हम सभी प्रकार के प्रिंटर, अगर आपको कौन सा भी प्रिंटर का रिपेयरिंग का वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें ताकि हम उसका भी वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँचाएँ। ये हो गया है, बराबर घूम रहा है, ये चेक हो गया। अभी ये अपन टेम्पलॉन का काम हो गया है, अब अपन चेक 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 में भी फेसर रोल भी चेंज करते हैं। बॉक्स में से निकाला है, बॉक्स फेंक दिया साइड में। ये जो नया वाला और ये पुराना है, यहाँ पे लॉक ऐसा करेंगे तो लॉक निकल गया और इसमें लगा देने का हो गया। ये अपने को ऐसे ऐसा लगाना है, ये हो गया। और ये टेम्पलॉन पहली बार आपने आए हैं तो आप टेक्निकल किचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके बाद वापस जैसा था वैसे लगा देने का। ये हो गया, ये अपन चेक कर रहे हैं, बराबर घूम रहे हैं, हाँ बराबर घूम रहे हैं।
ये हो गया अपन, अब इसको लगा देते हैं। सबसे पहले आप उन उसको लगा देते हैं क्योंकि इसे टेम्पलन को जो लोड ना गिरे इसके लिए। यहाँ पे इसका दो लॉक है, ए साइड एस एस करके आप लगा देंगे तो ये बैठ गया। पार्ट 3 का वीडियो देखने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। ये अपना फ्यूजर यूनिट तैयार हो गया है, अपन उसको भी लगाने जा रहे हैं। जो अपन ने प्रिंटर ओपन किया था, ये प्रिंटर है HP 1020+। अभी इसको अपन लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको दे वायर चेक करना हो तो चलेगा। चलो पहली बार खोल रहे हैं तो इतना कुछ खाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आप सीख जाएंगे। तो एक बार आराम से आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ कैसा ओपन कर। देखो ये ऐसा करा, हाँ अभी लग गया। तीन स्क्रू मारना है, एक मार दिया। इतना तो आपको आइडिया ही जाएगा क्योंकि आपने आराम से ओपन किया रहेगा तो आपको इतना जनरल आइडिया ही जाएगा कि हाँ मैंने ऐसा ओपन किया। तो अभी वापस इसको ऐसे ही लगाना है। ये हो गया, अभी जैसा था वैसे ये लगाते जाने का। स्क्रू लगाते जाने धीरे धीरे जैसा है। इसको यहाँ पे लगाना है, और बाकी ये तीनों जा रहे हैं। ये होने के बाद फिर ये वाला तार को लेना है। यहाँ पे लगा दिया उसको, ये हो गया। अभी उसको अपन पैक कर रहे हैं, अभी उसको जो टंकन है वो लगा देते हैं। फिर इसको लेते हैं उसके बड़ा वाला झाले। इसको लगाने से पहले अपने को इसको ही दोनों साइड का जो है लॉक उसको इसकी इसके अंदर लगा। हाँ ये हो गया बराबर, हो गया। हाँ ये लग गया, ये दोनों लग गया। उसके बाद इसको ऐसा ओपन करेंगे, दे ओपन हो गया। ऐसा करने का, ऐसा पुश करने का, और इसके बाद ये जो स्क्रू लेने का और यहाँ पे दो स्क्रू मार देने का। यहाँ का काम प्रोसेस हो गया फिनिश। तो उसके बाद अपने को ये वाला जाली लगाना है। जाली लगा दिया है, जो
ए लगाना है, तो इसको पहला होने के बाद वापस है इसका स्क्रू मारने का है। ये बाद में स्क्रू मारेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद ये साइड का है टंगन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लगा दिया, उसके बाद अभी ये लगा दे, ये हो गया। अभी इसका कार्ट्रिज है, कार्ट्रिज लगाते हैं। कार्ट्रिज भी लगा दिया, एक पेपर कटर है। ऐसा करने का पेपर कटर हो गया। ट्रे हो गया, अभी अपन उसको प्रिंटर को चालू करते हैं। अभी हम लाए हैं वाइट पेपर, एक पेपर लगा दिया और करते हैं प्रिंटर स्टार्ट। हमारा प्रिंटर प्रॉपर तरह से रनिंग हो रहा है। अभी हम लगाते हैं यूएसबी केबल, प्रिंटर को करते हैं ऑफ और लगाते हैं यूएसबी केबल। बंद करने के बाद हम प्रिंटर करते हैं ऑन। प्रिंटर हमारा स्टार्ट हो गया। हम देखते हैं अभी कंप्यूटर से प्रिंट कैसे प्रिंटर करते हैं। प्रिंट आना स्टार्ट हो गया है। अगर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे नए नए मज़ेदार प्रिंटर का वीडियो देखने के लिए। देखो ये प्रिंट आ चुकी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नई मैटर जा रहे हैं। अगर आपको प्रिंटर का कुछ भी स्पेयर पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट करें। हम नीचे दिए हुए नंबर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। कुछ भी प्रकार का स्पेयर पार्ट चाहिए, प्रिंटर कार्ट्रिज वगैरह चाहिए तो आपको होलसेल प्राइस में वहाँ से आपको मिल जाएगी। चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। प्रिंट आ गया है, टेम्पलेट चेंज कर दिया, प्रिंटर एकदम ओके रेडी हो चुका है। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को